निशी को इधर मरी में कुछ मिला है, मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। सब हाजिर हो जाए, देख लें गौर से निशी आपको क्या दिखाने लगी है। इमेजिन कि क्या मौसम है, लिटरली आई लव द वेदर। जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हमजा शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार आज का व्लॉग बड़ा ही ज़बरदस्त होने लगा है, तो ज़रूर ज़रूर पूरा व्लॉग देख के जाइएगा। चलें व्लॉग की तरफ आते हैं। आज का व्लॉग का प्लान ये है कि आज मैं फैमिली वालों के साथ जा रहा हूँ मरी वाली साइड पर, वहाँ पर सुना है सही स्नो फॉलिंग शॉलिंग हो रही है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ, हम लोग भी इंजॉय करेंगे। मेन बात इसमें है कि निशी को भी नहीं पता, क्योंकि हमने अर्जेंट ही एक प्लान बनाया, फटाफट हमारा प्लान बना, तो हम लोग बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब रेडी हो रहे हैं। मैंने कहा यार चलो अब जा रहे हैं तो व्लॉग भी बना लें, तो अभी जाके निशी को बताते हैं। निशी को बताने से पहले जो जो मेरे चैनल में नए आ रहे हैं वो जाके सबसे पहले लाइक कर दे, शेयर कर दे, ठीक है, हमारे मजीद समरी सब्सक्राइबर कर दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि कोई भी आने वाली वीडियो स्किप ना हो। चले आए जी, ईजा से पूछते हैं, आप भी जाएंगी हमारे साथ मरी, फन करेंगी, मामा को जाके बताएं। चलिए जी निशी को जाके बताते हैं जी, चले रेडी हूँ। किधर है निशी, क्या कर रही हो? चलो यार मरी चले, फजूल बात है, फजूल बात क्या है, चलो ना मरी चलते हैं, उठो, हम तो ये कोई प्रैंक का टाइम है यार। यार तुम्हें हर टाइम प्रैंक लगते हैं, प्रैंक नहीं हकीकत में चल रहे हैं हम। नहीं नहीं प्रैंक है, मुझे पता है यार, मजाक से हट के हम लोग चल रहे हैं। मैंने कहा चलो चल रहे व्लॉग भी बना ले, इसलिए कैमरा ऑन किया, प्रैंक प्रूंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है आप हमेशा प्रैंक करते हैं, मैं आपकी बिल्कुल बातों में नहीं आने वाला। यार ना मानो, तुमने नहीं जाना फिर मैं खुद ही चले जाऊँ? अच्छा ठीक है, चलेगा, सोच लो फिर, मैं लेके नहीं जाऊंगा। मुझे पता है ये प्रैंक है, हम यार नहीं है, प्रैंक नहीं है, अपने इधर से पूछ लो, इधर को मैं हम मरी जा रहे हैं ना। हाँ। देखा इधर को भी पता है, हम मरी जा रहे हैं। देखा बच्चे मन के सच्चे, अब तो उठ जो नहीं उठना। चलो ठीक है, मैं फटाफट अपनी पैकिंग करने लगा, तुम फिर इधर ही बैठी रहो यार। चलो यार मैं देखो बैग लेके आ रहा हूँ, किधर गया बैग मेरा, इधर पड़ा था, किधर गया, आ गया, ये रहा ये, देखो हटो हटो इधर, ये देख सोच लो बैग अब आ गया, अभी भी नहीं है यकीन, अभी भी नहीं, अब सामान रखूंगा फिर यकीन आएगा। चलो गाइस यार मैं सामान, ये देखें जी इधर से कुछ रखते हैं कपड़े, ये देखें वहाँ एक ट्रैक सूट रख लेते हैं, इधर हटो हटो, और इसमें एक और है, ये ब्लैक ट्रैक सूट रख लेते हैं, अभी भी यकीन नहीं आ रहा। यार मैं पागल हूँ, मैस क्रिएट कर रहा हूँ, उठो चलो, हकीकत जा रहे हैं यार। मुझे पता है आप प्रैंक कर रहे हो, यार अभी भी प्रैंक कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ करूंगा इतना बड़ा, उठ जाओ फटाफट, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है यार, मुझे पता है तुम प्रैंक कर रहे हो हमेशा की तरह। अच्छा प्रैंक करूंगा तो तुम फिर वापस हो जाना, बाकी प्रैंक नहीं कर रहा, उठो तैयारी करो, टाइम नहीं है। नहीं नहीं मैं अभी हिलना नहीं चाह रही। अच्छा ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ यार। गाइस ये देखे मैंने ये वाले दो ट्रैक सूट निकाल ली है आपके लिए, फिर ड्रेस नहीं जाके भी फिर निकाल दूंगी, यकीन आ रहा है, देखो जी यार इधर इधर के कौन से निकालो, ये वाला इधर के व्हाइट वाला निकाल ले, तो ये वाला ठीक है, अभी भी यकीन नहीं है जी। बाकी हम जा रहे हो, देखो नाशा को भी कहने जा रही है, बाकी प्रॉमिस जा रहे हैं यार, हमने फटाफट जाना है, अर्जेंट प्लान बना है तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, फटाफट निकलना बस हमने अभी, बस ठीक है मेरे रख लिए दो चार। चले गाइस टू डेज, टू डेज, टू डेज, चले गए निशी होगी मान गई है, आप भी इसको बता देना प्रैंक नहीं है, ये बाकी हकीकत जा रहे हैं, हम लोग थोड़ी पैकिंग शैकिंग करते हो गया जी निशी, अगर मैं कोई प्रैंक है तो मैं आपको बिल्कुल प्रैंक था, मैंने स्टार्ट में क्या बोला था, नहीं है नहीं है, जल्दी रखो टाइम नहीं है, जल्दी रखो, हाँ 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 रख दो रख दो, ऐसे रख दो, हाँ हाँ रख दो रख दो, कौन रखता है यार, थोड़ा सा रख दो ना, टाइम नहीं है ना अभी, इधर आप हेल्प करा रही मामा की, शूज वही जोगर्स रख दो, जोगर्स रख दो, इधर के भी, इधर के भी, चले गाइस तैयारी तो हो रही है, हम निशी को थोड़ा सा शॉपर 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 में रख दो जी। गाइस अभी हमारे पास टाइम नहीं, हम फटाफट निकल रहे क्योंकि हमने बहुत अर्जेंट प्लान बनाया, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं, और पहली बार निशी मान ही रही थी, बड़ी मुश्किल, हाँ हम लीला भी रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर ही शूज कौन लाया, पहले ही ले आई थी, चले जी निशी तो हमसे भी ज्यादा खुश, ईजा तो हमसे भी ज्यादा खुश है। 20 minutes later. जी गाइस हम लोग निकल पड़े थे, पैकिंग शैकिंग हो गई थी, तो मैंने कहा चलें अब व्लॉग स्टार्ट कर ले, वहां जाके देखते हैं क्या फंक्शन होता है, तब तक आप लोग नजारे करें मरी के रस्तों के। आज तो मजेदार व्लॉग स्टार्ट हो रहा है स्नो में, वो भी ये देखें जी जबरदस्त स्नो हो रही है, हम जैसे यहाँ पर पहुंचे थे तो बेहतरीन स्नो हो रही थी, हम यहाँ पर हमने स्टे किया, ये देखें गाइस बहुत बहुत अच्छी खासी मुझे बर्फ लग रही है, लेकिन मैंने फिर भी कहा यार ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया जाए, अब जल्दी जल्दी जाएं और इस ठंड में ही जाके सब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर का बटन दबा दे, मैं पीछे भाग रहा हूँ, मुझे लोग बर्फ मारने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्नो हो रही है, ये देखे गाइस
उम्मीद है आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये देखें जी, निशी क्या कर रही हो आप? ये देखें गाइस, इन्होंने अम्ब्रेला कर लिया। मुझे तो बहुत फन आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। शुक्र है हम खैर खैरियत से पहुंच गए, उसके बाद ही स्नो ये स्टार्ट हुई है, वरना ये अभी सारा क्लीन था। बात तो सही है। देखें ज़बरदस्त यहाँ पर बर्फ पड़ चुकी है, आपके भाई के फुल हाथ फ्रीज हो गए। ये देखें, मैंने कहा फिर भी यार व्लॉग बना लें क्योंकि ये वाला मंजर दोबारा नहीं अभी आना। ये देखें जी घर, यहाँ पर हमने स्टे किया है, ज़बरदस्त हर चीज़ है यहाँ पर। ये देखें व्यू तो आप देख ही रहे होंगे यार गाइस, और मेरे ऊपर जो स्नो पड़ रही है उसका तो लेना ही मजा है यार। ये देखें, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा घर के अंदर जाए यार। चल झूठा गाइस, बहुत ज्यादा हो रही थी तो फिर मैंने कहा चले अम्ब्रेला ले लूँ ये वाली, ताकि ऊपर से मुझे स्नो भी दिखती रहे और अम्ब्रेला भी मेरे साथ साथ रहे। उम्मीद है आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत 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 ठंड लग रही है, हद से ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है, लेकिन मज़ा तो बहुत आ रहा है जो भी है, लेकिन ठंड बहुत लग रही है। यकीन माने अंदर जाने का दिल ही नहीं हो रहा है। ये देखें निशी बाकी का केला। निशी निशी आप क्या कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है मैं हेवन में हूँ गाइस, यू कांट इमेजिन कि क्या मौसम है। लिटरली आई लव द वेदर, ड्रीम्स ट्रू हो गए यार। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। बहुत ज्यादा स्नो हो रही थी तो मुझे लग रहा है निशी अब हमें अंदर चलना चाहिए यार। बिल्कुल यार, इजा को देखिए हम। इजा क्या कर रही हो यार? इजा आपका क्या कर रही हो? इजा थोड़ी देर तो चलते हैं ना, फिर बाहर आ जाएंगे दोबारा, ठीक है? जो भी है यार, इजा बहुत इंजॉय कर रही। क्यों इजा? इजा आप इंजॉय करिए। आई लव यू माय बेबी। उम्मीद है आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे लग चलता है हमें अंदर चलना चाहिए यार। गाइस चले अंदर चलते, निशी आ जाओ। बहुत ठंड है। ये देखें जी निशी अंदर आ रही है। चलो 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 अंदर यार, अंदर का माहौल। गाइस मैं थोड़ी देर व्लॉग को रोकता हूँ, अंदर बहुत ठंड लग रही है, अपना अपना भी थोड़ा क्लियर करो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अंदर तो आ गए थे, काफी अंदर का वार्म माहौल था। निशी अब क्या कर रही है यार? यहाँ पर भी आ गए। ये देखें गाइस जी, गर्मा गर्म बन रहे हैं फ्राइज, और इस ठंड में बर्फ में मजा ही अपना है यार। बात तो सही है। फ्राइज से अंदर तो आ गए थे, लेकिन इतनी ठंड लग रही थी, इतने कपड़े मैस हो गए थे, मैंने उन सुखाने में लगे थे, तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग को क्यों रोकूं यार, व्लॉग किया थे। तो देखें निशी यहाँ मज़ेदार फ्राइज बना रही है, वो देखे जी यार। कसम से यहाँ आने का मज़ा अपना है कि घर का माहौल बिल्कुल मिला हुआ है, सबसे मेन बात यह है। चले गए, देखे फ्राइज हो गई है रेडी, तो मैं और फैमिली को बहुत मिस। हाँ जी गाइस, सामान तो आ चुका है, अब पकेगा जबरदस्त खाना और फिर आपका भाई खाएगा। ये चुपे, बाहर चलते हैं, जरा बाहर का माहौल देखते हैं। अरे फोन मेरा गाड़ी में आ गया था। ओहो ये देखें जी, हो सही ठंड लग रही है। ओहो ये देखें जी गाड़ी का हाल क्या हुआ है बर्फ से। ये वही बर्फ है जो हम इंजॉय कर रहे थे, अब सही वो थम गई और बैठ गई है। देखें गाइस बाहर बहुत अब ज़्यादा ठंड लग रही है। देखें वो गाड़ी में से मैंने फ़ोन लेना थे, फ़ोन मेरा गाड़ी में रह गया था, मैंने कहा चले मैंने आ जाओ। ओह ये देखिए पैड भी तो पड़ा हुआ, फ़ोन किधर है? ये रखा है, फ़ोन मिल गया है। ये हो गया गाड़ी लॉक, और अंदर हमने खाने वाली चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी थी, खाना शाना अंदर रेडी है, और किचन भी अंदर तो निशी फ्राइज बना लिया, आपने देख ही लिया होगा। तो अभी ये खाना शाना अभी सब रेडी हो रहा है, सब चीज़ें अपनी कटिंग कटिंग हो रही है। सुनने में आ रहा है कि बिरयानी और चिकन कढ़ाई बन रही है घर के माहौल की तरह, आप खुद सोचें इतनी बर्फबारी में कितना मज़ा आएगा। हाय हाय, इतना सुकून। मज़ेदार नूडल्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं दूसरे चूल्हे पर क्या है। निशी ये क्या बन रहा है? चलो चेक करते हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त टमाटरों वाली कढ़ाई, देखे पानी तो आ ही रहा होगा। ये देखें जी ज़बरदस्त बिरयानी, वो भी धुएँदार। 15 minutes later. इंतजार की घड़ी हुई ख़त्म, खाना हो गया है रेडी, और आपका भाई जा रहा है अब खाना खाने। ये देखें जी ये सीढ़ियों से मैं चढ़ने लगा हूँ। किधर है खाना? वाह जी वाह, ज़बरदस्त बिरयानी बन गई और ये चिकन कढ़ाई है। तो मैं खाने लगा हूँ, आपके भाई ने खाना डाल लिया है, तो बस खाने के बाद फिर ज्वाइन होते हैं। खाना शाना खा के सब फ्री हो गए थे। आप भी सोच रहे होंगे मैं इतना स्लो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रात के तकरीबन 2 बज गए हैं। हमें इतना शुगर मिला कर रहे थे कि हमने व्लॉग को स्टार्ट करना ही छोड़ दिया था। तो एकदम से अचानक से हमारा प्लान बना कि क्यों ना यार बाहर जा के थोड़ी गर्माइश ली जाए। देखें जी मैंने कोयले रखे हैं अंदर किचन में, तो अभी हम इसको गर्म करते हैं, फिर मैंने बाहर पर जा के थोड़ा सेटअप बना लूँगी। देखें गाइस काफ़ी देर से मैंने कहा चलें व्लॉग नहीं स्टार्ट किया तो व्लॉग भी स्टार्ट कर लें। यहाँ पर अभी हम जाके रखेंगे और इंजॉय करेंगे ठंड को भी और गर्माइश को भी। यहाँ पर हम थोड़ा सा मज़ा लेंगे बोन फायर टाइप का यार गाइस। ऐसे तो ले होता है। वाह जी वाह, मज़ेदार कॉफ़ी आई है, कौन लाया ये?
कौन से वाला कप लूं मैं? मैं ले लूं। आहा मजेदार कॉफी इस ठंड में, मजा आ जाएगा। अभी मुझे मजा आ जाएगा कॉफी पी के। मेरा तो दिल हो रहा है बाहर जाके साइड पे जाके पीऊं कॉफी। आप भी आई हैं? नहीं माता यार, तुम मेरे साथ कॉफी नहीं पियोगे हमजा? ये लोग अच्छे मौसम में। यस, तुम मैं और एक कप कॉफी। नहीं तुम मैं और एक अच्छी सी ठंड। ये देखो गाइस कॉफी पी रहे हैं यार, चेक कर दो कैसी बनी है। आहा मजा आ गई है, मरी की याद आ गई। बल्कि मरी में ही है यार, उस तरफ ना कोई भी है ना इस तरफ है। ये इधर पहाड़ है और ये जबरदस्त घर है जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। आप सोच लें कितना यकीन है। चाय के लिए कॉफी तो एकदम ठंडी हो गई। हाँ बिल्कुल यार। The following day, गाइस ऊपर का तो मॉल मैंने आपको सारा दिखा दिया था। जो मैंने रूम चूज किया वो ये रहा रूम है। ये देखें जी यहाँ पर ये वर्जिश का सामान भी पड़ा हुआ है। ये देखें मिश्री और रीता बैठे हुए हैं, रीता खेल रही है गेम। ये देखें जी गाइस, चले मैंने ऊपर का व्यू तो आपको सारा दिखा दिया था। मैंने कहा चले जिस कमरे में मैं स्टे करूंगा आज तो वो भी आपको दिखाएंगे। देखें जी जबरदस्त सोफे और हीटर। तो आपको पता है यहाँ पर आके हीटर हीटर ना लगे तो मजा नहीं आता। ठंड आपको पता है ना बाहर बहुत है। The next morning, गुड मॉर्निंग जी। मैंने कहा चले जी अपने कमरे से अपना व्यू दिखाएं और गुड मॉर्निंग करें जी। ये देखे जी जबरदस्त बेहतरीन सी धूप निकली हुई है। कल तो आपने देखा ही होगा सही स्नो फॉलिंग हो रही थी और सही सबने एंजॉय किया। आज आप लोग धूप से एंजॉय करें। नहीं निशी और इज्जत सो रहे हैं इस टाइम। मैंने कहा चले आप लोगों को बाहर का मंजर दिखाते हैं। अच्छा जी नाश्ता भी ऊपर देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि मैं नीचे वाले पोर्शन में हूँ। नाश्ते में भी आप लोगों को चेक कराता हूँ क्या क्या चीज़ें बनेगी। बेहतरीन चीज़ें ही होनी है क्योंकि मरी यार बंदा नाश्ता ना बेहतरीन करे। तो तब तक मैं फ्रेश फ्रूश भी होता हूँ। 15 minutes later, अभी फ्रेश फ्रूश तो आपका भाई हो गया था, कपड़े शपड़े चेंज नहीं किए, बस मुँह आते ही धोए। मैंने कहा चले जी नाश्ते का हमने देखे बेहतरीन यहाँ पर निज़ाम बनाया है। ये देखे जी अंडा, दूसरा अंडा और पराठे और ये व्यू मजेदार। आपको तो पता ही है चाची अपनी आने वाली है। One shift later, नाश्ता तो हम करके फ्री हो गए हैं। बड़ा मजेदार नाश्ता था और धूप में बैठने का अपना ही मजा था। ये देखें जी कल का जो आपका मंजर था कि जो यहाँ पर बर्फ से हर जगह ढकी हुई थी, अभी फुल फुल धूप है हर जगह। मैंने कहा चले अब आपको मैं धूप भी जरा दिखा दूँ। कसम से मजा बहुत आ रहा है यहाँ पर, यकीन माने यहाँ का वाइब भी लगता है। ये देखें निशी आप क्या कर रही हैं? ये देखिए जी निशी कोशिश कर रही थी स्नोमैन बनाने की, इसने हसीन ही टोपी मैन वाला स्नोमैन बनाया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस तरह का लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही कि ये चाइनीज स्नोमैन है या कौन सा है। क्यों निशी? वो देखिए जी ईजा भी वहाँ पर बर्फ के साथ फुल इंजॉय। ईजा क्या कर रही हो? क्या सही इंजॉय कर रही हो आज आप? ये देखिए जी ईजा मामा की हेल्प कर रही है साथ स्नो देते हुए। और मैंने कहा चले हम थोड़ा सा अपना फन कर लें। यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे। ये देखें जी ज़बरदस्त यहाँ पर स्टे था हमारा। चलें जी रेडी हो गया स्नोमैन, निशी ने मुझे आवाज़ दे दी है। मैं आपको भी फाइनल लुक दिखाता हूँ इसकी। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। एक आंख नहीं है इसकी, है वो तो बहुत ऊंची आंख लगता चली गई इसकी। मेरे हाथ ठंडे हो गए थे ना, वो अब फंस गया। ये देखें जी हाथ, हाथ अपने दिखाओ। ये देखें जी ठंडे ठंडे हाथ हो गए हैं। स्नो हमारा रेडी हो गया। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस तरह का स्नो हमारा लग रहा है। अच्छा गाइस आपका भाई रेडी तो हो गया था। मैंने कहा चलें बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर का प्लान ही बन सका। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी फ्रीज हाथ भी अभी हुए हैं। वैसे तो बोला भी नहीं जा रहा, सांस बहुत फूल रहा है। तो हमने कहा चलें घर की तरफ, नीचे की तरफ थोड़ी वॉक की जगह, उधर हम मैं और निशी वॉक करते। क्यों निशी हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, बस थोड़ी सी वॉक करने आए हैं जी। बिल्कुल वॉक करने आए और इधर का व्यू बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए खुला खुला खुले खुले पहाड़ है, खुला मैदान है। देखिए जितना मर्जी चीख लो यहाँ पर कोई भी नहीं है। नाम लेती हूँ हमजा। आई आई है वास गाइज, आपको भी शायद क्या पता वापस आई है थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे तो आई है। तो हम लोग इधर ही आ गए थे, हम चले आई आई है। चले गाइज जाके सब्सक्राइब भी कर दे, सब्सक्राइब वो तो आई होगी। देखें जी गाइस इन्होंने भी अब सब्सक्राइब कर दिया, तो आप लोग भी जाके फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे। चलें जी हम वॉक करते हैं आगे जाके। कुछ भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ धुंधला धुंधला ही है, धुंधला धुंधला ही मतलब बनाना ही है यार। हम मैं सोच रही हूं कोई स्ट्रीट फूड खाते हैं जाके कुछ। नहीं ना खाना पीना घर में ही मजा आ रहा है। हां ठीक है, घर में सूप बनाए तो प्ला लें। चलें नीचे ऊपर, मगरिब का टाइम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये ना हो कोई जानवर शानवर आ जाए और आपके भाई को खत खत करके खा जाए और आप फिर मुझे ढूंढते रहे कि आपका भाई किधर गया। मैंने अभी यहाँ पर पिक देखे हैं। वाह तो मुझे भी मिलवा दी। नहीं वो दूर से जा रहा था ना, मैं तो बस भाग गई वहाँ से। One hour later.
जबरदस्त सूप तो आ चुका है, वो भी देखें धुएंदार, अभी हम इसको पियेंगे सब मिलके। आहा, ये देखें जी गाइस, चटनी भी आ गई और मज़ेदार बिरयानी और स्पैगेटी, यम्मी। और कावा का तो कावा ना हो, ऐसा हो सकता है गाइस, वो तो बहुत ज़रूरी होता है। और सामने हीटर लगा हुआ हो, उसकी चास तो अपनी ही है गाइस। हाँ जी गाइस, बस हम थोड़ी सी देर से यहाँ से निकलने लगे, काफी 3-4 का टाइम हो गया, चेक आउट तो करना नहीं था क्योंकि आपको तो हमने घर में स्टे किया हुआ था, क्यों निशी? बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कर रही हो? मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। ये देखें जी, व्यू एंजॉय हो रहा है यहाँ पर, सही सही इंसान सारी टेंशनों से यहाँ पर आके पीसफुल माहौल यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इजा भी यहाँ पर एंजॉय कर, इजा क्या कर रही हो? खाला को बुला रही हूँ। मरी में आप कहाँ आई हुई हो? गुड हो गया जी। वो देखे थी गाय, नहीं थी चिकन भी है यहाँ पर, देसी अंडे का मजा ही अपने आपको पता है, ठंड बहुत थी तो बंदा देसी अंडे खाए और चासी अपनी आती है। ये देखे जी यहाँ पर इतना जबरदस्त व्यू है कि जाने को बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, लेकिन ठंड अब इतनी है कि अब बनता है। ये देखे जी आपको क्या लग रहा है, कैसा मौसम लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या पता बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, अब हमें नहीं पता। क्यों निशी? बिल्कुल यार, चले जी अब हम निकलते हैं, हमारी निकलने की तैयारी हो गई है, बस थोड़ी सी देर में हम यहाँ से निकलते हैं, फिर जाके बर्फ शरफ भी एंजॉय करते हैं। सुनने में आया बड़ी आगे ऊपर की तरफ जाए तो काफी बर्फ शरफ पड़ी हुई है यार। ओके, अभी हम उधर जिंगलाल कैंप की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर सुना है काफी बर्फ शरफ जमी हुई है, अभी तो हमने बर्फ में से एंजॉय नहीं किया, तो मैंने चले यार वहाँ पर जाके देखते हैं, यहाँ पर तो बहुत जबरदस्त हमने एंजॉय किया है। ये देखें जी जबरदस्त व्यू था यहाँ पर घर का। A few moments later. हाँ जी गाइस, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। ये देखें जी जबरदस्त रास्ता है, थोड़ा थोड़ा डेंजरस भी है, लेकिन व्यू आपको पता है जबरदस्त दिख रहा है यहाँ से। गाइस हम लोग आ गए हैं बाहर, बर्फ में काफी ठंड लग रही है, घर में तो हमने सही एंजॉय देख लिया होगा, भाई का बाहर भी एंजॉय देख लें। ये देखें जी हर तरफ बर्फ से ढकी हुई है रोडें, ये देखें जी जबरदस्त माहौल बना हुआ है, ठंड अच्छी खासी लग रही है आपको बाइक को, लेकिन फिर भी आपका बाइक आ रहा है इंजॉय। ये देखें जी अभी हमने सोचा यहाँ पर ऊपर इस ट्रैक में चलते हैं और बर्फ एंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी एंजॉय कराते हैं। ये नो हम स्लिप हो गए यहाँ पर गिरे हुए, क्यों गाइस आपको क्या लग रहा है, आपको भाई यहाँ पर गिर जाएगा? नहीं गाइस, तो हम ऊपर आ गए थे स्नो में, जहाँ पर मैंने आपको बताया हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, ये देखें यहाँ पर स्नो ही स्नो है और आपका भाई फुल स्नो में एंजॉय कर रहा है, निशी भी एंजॉय कर रही है। और देखें निशी क्या कर रही हो? मेरे हाथ अभी जाम हुए हैं। ये मुंह भी जाम हो गया? नहीं, मुंह तो चाह रहे हाथ सही जाम हो गए, लेकिन हम लोग सही एंजॉय कर रहे हैं इधर स्नो में। ये देखें गाइस जबरदस्त व्यू है, ओ ये देखो जी निशी मुझे बर्फ मार रही है। निशी क्या कर रही हो? ओ यार मुझे बर्फ पा रही है लेकिन लग नहीं रही क्योंकि निशी के एंगल भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। ए नहीं लगी, अब मेरी टन है, देखो गाइस ये मेरी टन। ओ ऊपर से कहां से बर्फ आई है, ये बेलचे में कौन लेके मेरे पास बर्फ आ गए यार, भागो, ये तो पूरा बेलचे वाला सीन चल रहा है ऊपर। गाइस सबका निशाना टेढ़ा, ये देखें, ओ ये निशाना सही लग गया था गाइस, ये देखें जी ऊपर बेलचे वाला भी बंदा है, मुझे बर्फ फेंकी जा रहा है, मुझ पर अटैक हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे भी बर्फ थोड़ी सी बना के ऊपर की तरफ फेंकनी चाहिए। वो देखें गाइस बहुत ज्यादा बर्फ में लगी है अच्छी खासी लगी है। चल झूठा, ने ऊपर काफी फंक्शन किया था, बर्फ शरीर से सही मारे हैं एक दूसरे को ठा ठा करके, और निशी उतर ही है, सोचे निशी यहाँ स्लिप हो गई तो वीडियो में कैप्चर हो जाओगी। गाइस मैं भी उतर रहा हूँ, जरा ध्यान ध्यान से, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है इस टाइम पर। ये देखें जी गाइस फाइनली आपका भाई सेफली नीचे उतर गया है, ठीक है, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, फिर हम लोग इस्लामाबाद की तरफ निकलते हैं। एंजॉयमेंट तो बड़ी हो गई है, आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। चलें जी नीचे चलें, बस चलें गाइस, आगे बिजली की तारें देखें आ रही, मुझे थोड़ा सा चुपके नीचे से जाना पड़ा है। ये देखें जी आपको बर्फ की आवाज़ें आ रही है ना, ये देखें जी ये बड़ी सॉफ्ट फ्रॉस्ट स्नो है, ये देखें गाइस, ये देखें ये देखें ठंड, ये देखें हाथ फ्रीज हो गया मेरे गाइस, मज़ा आया। ये देखें गाइस निशी को इधर मरी में कुछ मिला है, मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, सब हाजिर हो जाए, देख लें गौर से निशी आपको क्या दिखाने लगी है। ये क्या चीज है? मुझे क्या पता वैसे गाइस, कमेंट बॉक्स में ये क्या बच्चे हिंगले है कुछ भाई हिंगले मुझे नहीं पता यार, कि ये क्या चीज है, अपनी लैंग्वेज में से क्या कहते हैं? हाँ हिंगले कहते हैं इसको, हिंगले कहते हैं जी यहाँ पर इसकी इनकी लैंग्वेज में। यार चलें जी गाइस गाड़ी की तरफ चलते हैं, वो देखें गाइस काफी एंजॉयमेंट तो हो गया है,
यहाँ का व्यू तो आप देख ही रहे, बहुत ही जबरदस्त आउट क्लास है। जाने का दिल तो किसी का नहीं हो रहा है, लेकिन जाना बनता है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं। चले जी, मैं रोड क्रॉस करने लगा हूँ, तब तक के लिए व्लॉग को रोक रहा हूँ। जी गाय जी, दराल कम में तो हमने सही एंजॉय से कर लिया, तो वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा अगर आपने पूरा व्लॉग देखा है। चले जी, बस घर की तरफ हम रवानगी है, थोड़ी सी देर में हम घर पहुँचते हैं, उसके बाद आपका भाई आपसे ज्वाइन होता है। जी तो आपके भाई को लग गई है भूख, तो यहाँ से पेट पूजा करके बस निकलते हैं। हाँ जी गाय, तो आपका भाई रस्ते में सो गया था, सही था, गार्ड टूट के पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले जी अब टूल प्लाजे की तरफ तो पहुंच ही गए हैं, तो क्यों ना जी टूल प्लाजे का नजारा भी आप लोगों को करा दिया जाए। चले जी, आप पैसे छैसे देते हैं यहाँ से, उसके बाद घर की तरफ निकलते हैं, और घर पहुँच के फिर आपका भाई व्लॉग स्टार्ट करता है। हाँ जी गाइस, मरीज से आ गए थे यार, सही था, गार्ड टूट गया था, यकीन माने के हिम्मत भी नहीं थी मोबाइल पकड़ने की, क्योंकि गला मेरा काफ़ी ख़राब है, आवाज़ मेरी अभी ख़राब आ रही होगी, तो मैंने कहा चले यार अब व्लॉग को एंड भी तो करना है। तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरा मरी वाला व्लॉग सही इंजॉय किया होगा, अगर इंजॉय किया है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले यार आपके भाई ने जो मेहनत की है वो सही की है। चले जी, अब व्लॉग को मैं करने लगा हूँ यहाँ पर एंड, जाके फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। मिलते हैं चले हम नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।